हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप रेल द्वारा सफर करते हैं तो आपको कभी ना कभी सीट ना मिलने की समस्या का सामना अवश्य ही करना पड़ा होगा। आज हम IRCTC के इस ऐप में एक ऐसे अपडेट के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसमें आप किसी भी ट्रेन की चार्ट बनने के बाद, यानी कि ट्रेन को निकलने के बाद, आप उसमें खाली सीटों का पूरा विवरण देख सकते हैं, वही भी आपके इसी IRCTC ऐप में। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल CP ज्ञान में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के यूजफुल कॉन्टेंट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि किस तरीके से हम ट्रेन चलने के बाद, यानी आपका ट्रेन का चार्ट बन गया है, आपकी सीटें उसमें बुक हो चुकी हैं, अब आप अचानक यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यह पता लगाना है कि इस ट्रेन में या जो भी आपकी ट्रेन है उसमें कौन कौन सी बर्थें खाली हैं या अथवा कहां तक के लिए खाली हैं। यह देख के आप उन ट्रेनों में जाके, आप जिसमें यात्रा करना चाहते हैं जाके, आप जो TC रहता है कोच का, जिसे कंडक्टर बोलते हैं, आप उससे उस सीट का रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं और आप जेन्युइन तरीके से उस पर यात्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको रिजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले अपने IRCTC ऐप को खोलना होगा और इस ऐप को खोलने के बाद आपको इसमें ये अलर्ट आ रहा है, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आप जो लॉगिन का निशान दिखाई दे रहा है, आप इस पर लॉगिन करेंगे और अपना जो 4 अंक का पिन, और इसके बाद आपने जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आप इसको डाल के आप इसमें लॉगिन होंगे। ऐप में लॉगिन होने के बाद आपको जो ऊपर निशान दिखाई दे रहा है ट्रेन, आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेन वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यह इसमें अपडेट करके बहुत ये सारे ऑप्शन इसमें खोले गए हैं। ये और इसमें जो दिखाई दे रहा है नीचे से दूसरी रो में चार्ट वैकेंसी, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चार्ट वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो यह आपको ओपन करने के लिए बोलेगा, तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है तो उसमें आप इसको ओपन करेंगे। जैसे मैं क्रोम पे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपके पास चार्ट रिजर्वेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आप जिस ट्रेन के बारे में जानकारी चाहते हैं उस ट्रेन का नंबर डालेंगे। मैं जैसे कोई ऑप्शन, कोई ऐसी रेंडमली कोई सी ट्रेन डालता हूँ, तो इसके बाद आप डेट चूज करेंगे और डेट चूज करने के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है बोर्डिंग स्टेशन, आप इसको चूज करेंगे तो आप यह ट्रेन किस किस स्टेशन से होकर निकलती है वह सब इसमें पता लग जाएगा। और गेट ट्रेन चार्ट आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप गेट ट्रेन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके फिर आपसे ये पूछेगा आप सेकेंड AC, थर्ड AC या स्लीपर क्लास, कौन से आप कोच में, यानी किस क्लास में आप जो है ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे। मैं थर्ड AC में करता हूं, तो अब आप देख पा रहे हैं यह थर्ड AC में जो इसमें बर्थें खाली हैं वो आपको पूरा इसमें दिखाई दे रही है, यानी कि ये देखिए B1 में 25 नंबर सीट खाली है जो कि लोअर बर्थ है, और B1 में 26 नंबर सीट खाली है, 27 नंबर सीट खाली है, 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर, ये बरौनी जंक्शन तक, लखनऊ से बरौनी तक ये खाली है सीट, आप इन पर जाके रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में शायद ऑनलाइन बुकिंग इज़ नॉट अवेलेबल, तो ऐसा लिख के आ रहा है, तो आप जाएंगे ट्रेन में चढ़ेंगे और इसके बाद आप TC से जाके यह सीट आप मांग सकते हैं। आपको TC इस ट्रेन की इस बर्थ को देने से मना नहीं कर पाएगा यदि वह बर्थ उस समय खाली होगी तो, और यदि किसी को पहले से अलॉट कर दी गई है तो फिर आपको यह सीट नहीं मिल सकती है। इसी तरह अब यदि आप किसी दूसरे क्लास में देखना चाहते हैं तो आप उस क्लास को क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रही है जितनी सीटें इसमें खाली है, हाजीपुर टू बरौनी, लखनऊ टू बरौनी, A1 में 31 नंबर सीट लोअर बर्थ वगैरह खाली है, तो इसमें भी नहीं हो पा रहा है शायद रिजर्वेशन, तो फिर इसके बाद
आप इसी तरीके से जो भी ट्रेन देखेंगे और जो जिस स्टेशन से आप देखना चाहते हैं, बस सिर्फ उस स्टेशन पे वह ट्रेन गुजरी ना हो। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेन में चलते हुए, ट्रेन में चढ़ने के बाद भी आप अपनी सीटों की जानकारी पा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जाकर आप बैठ के आप अपने जो है टीसी से रिजर्वेशन करा के बड़े ही आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी यूनिक लगी हुई। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।